लेकिन उन संस्थाओं को बुलाने के पहले एक और थोड़ा सा इमोशनल पक्ष है इस कार्यक्रम में। जबलपुर में जब आया था उसके बाद एक मेरी जो पहले मित्र जबलपुर में हुए वो ईश्वर की अजीब कृपा है क्या बोलूं मैं, वो अब हमारे साथ नहीं है पर उनकी यादें बहुत सारी हैं। बहुत कुछ खट्टा मीठा दौर रहा लेकिन हमारा दिल दिल से मिलता रहा। मैं बात कर रहा हूँ उमेश मिश्रा जी की जो अब नहीं है। बहुत समय हम लोग साथ साथ काम किए, बहुत सारे काम हम लोगों ने साथ किए। इनफैक्ट गूंज की शुरुआत भी हम लोगों ने मेरे यहाँ से और विचार विमर्श के बाद में बहुत सारे हम लोगों ने प्रारंभ के प्रोग्राम किए। माधुरी भाभी यहाँ में हमारे साथ विशेष रिक्वेस्ट पे आई हैं और मैं चाहता हूँ प्लीज़ एक बार आप मंच भी आ जाएगा और भाभी बिटिया भी आ जाए। भाभी और मेरी बेटी दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी यहाँ पे और ये दुखद जो पल है वो हम लोग के लिए बहुत, आप सबको पता है उमेश मिश्रा जी आप सबके करीब थे जितने मेरे थे। मधु पैशन के डायरेक्टर मधु से रिक्वेस्ट प्लीज आ जाए सामने। नेहा आप अपने डिपार्टमेंट में आ जाइए। मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूँ प्रतुल भैया को और विजय भैया को, प्लीज आ जाइए। और तिवारी सर, अशोक तिवारी सर, एक मैं उमेश जी की याद में मैं क्या बोलूं, उनकी याद तो हम सबके दिलों में और हमेशा रहेगी। मैं विजय भैया से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रतीक भैया से, और एक छोटी सी उनको भी इधर ले भैया प्लीज, एक ही छोटा सा यादगार मैं और मैं ये इस मंच के माध्यम से मैं ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि कभी गूंज और पैशन की शुरुआत एक साथ हुई थी और मेरे प्रारंभिक दौर थे और गूंज का भी प्रारंभिक दौर उसके बाद शुरू हुआ था उसको हटवा दिया और जब भी जरूरत होगी पैशन हमेशा गूंज के साथ रहेगा। गूंज और पैशन कभी अलग नहीं थे, हमेशा एक साथ रहेंगे। और मैं बताती हूँ आपको कि सबसे पहले जबलपुर में मनोहर सोनी जी जब आए थे तो सबसे पहला मित्र कोई उनका है तो वो है उमेश मिश्रा जी। तो गूंज का जो मोनो बना था, गूंज की जो शुरुआत हुई थी वो मनोहर सोनी जी द्वारा ही हुई थी। मनोहर सोनी जी ने बहुत ही प्यारा गूंज का मोनो बनाया। गूंज हमेशा आपके साथ है। चलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उमेश जी ने जो जिम्मेदारी छोड़ी है उनमें जो भी हम लोग हमेशा साथ खड़े हो सके, बाकी बड़े भैया लोग तो सब हैं साथ में, मैं भी आपके साथ ही हूँ हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच प्लीज़। और अब शुरुआत करेंगे हम कुछ